हेलो, ये क्या कर रही हो तुम? मनीषा हाय। ऐश्वर्या तुम ये गाड़ी की हवा क्यों निकाल रही हो? यार देखो ना, ये मेरी कार पार्किंग की जगह है और पता नहीं कौन अपनी खटारा गाड़ी यहाँ खड़ा के चला गया है। तो तुम कहीं और गाड़ी को पार्क कर लो। नो वेज, ये मेरी कार पार्किंग की जगह है, हमेशा से यही गाड़ी खड़ी की है और आज भी यही खड़ी करूंगी, चाहे उसके लिए किसी कार की हवा क्यों ना निकालनी पड़े या किसी की गाड़ी तोड़नी क्यों ना पड़े। ऐश्वर्या, ये गाड़ी मेरे मंगेतर की है, सूरज की। ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है? ओह माय गॉड, तो बहुत सस्ती सी लग रही है। हाँ तो ऐश्वर्या, सस्ती या महंगी क्या होता है? मतलब गरीब है, कुछ ज्यादा ही गरीब है। देखो तो खटारा गाड़ी और ये सस्ती रिंग, मुझे देखो, डायमंड रिंग देख रही हो और वो बड़ी वाली गाड़ी, मेरे मंगेतर ने मुझे गिफ्ट किया है। अगर सही एडवाइस दूं ना तो अभी भी सगाई तोड़ दो, बहुत अच्छा वक्त है, और किसी अमीर लड़के के साथ सगाई कर लो। उसने मुझसे वादा भी किया है कि एक दिन वो मुझे असली डायमंड रिंग दिलवाएगा। सीरियसली? और तुम्हें उसकी बात पे विश्वास है? मेरी बात मानो, पूरी जिंदगी ना ऐसी सपने दिखाएगा लेकिन मिलेगा तुम्हें कुछ भी नहीं। तुम्हारी पूरी जिंदगी इस खटारा गाड़ी में निकल जाएगी। वो बड़ी कंपनी देख रही हो? मेरा मंगेतर ना वहाँ पे HR है। मेरा मंगेतर भी उसी कंपनी में काम करता है। ओह रियली? ओह हाय रिकी, ये मेरा मंगेतर है। मीट माय फ्रेंड मनीषा। हेलो। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? ऐश्वर्या, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। बोलो। यार मेरी ना जॉब चली गई। जॉब चली गई मतलब? यार मैंने ना तुमसे झूठ बोला था कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं अपनी कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था। बस मैंने कुछ पैसे इधर उधर किए थे कि उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। बेवकूफ इंसान, चले जाओ यहाँ से अभी के अभी। यार ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा था ऐश्वर्या। मेरे लिए किया था? सीरियसली? जस्ट गेट लॉस्ट। क्या कर रहे हो तुम? मनीषा तुम यहाँ पे खड़ी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तुम्हें पता है अभी अभी कंपनी में क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तुम्हें बोलता था ना कि मेरी प्रमोशन होने वाली है, मेरी प्रमोशन होने वाली है। गेस व्हाट, आज मेरी प्रमोशन हो गई और मैं इस कंपनी का मैनेजर बन गया। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और सच बोलूँ तो ये सब ना तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं था। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो ये सब नामुमकिन था। थैंक्स। और हाँ, अब मैं तुम्हारे लिए एक डायमंड की रिंग लेके आऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ ये बात जानकर। I really love you and very proud of you. I love you too. ये? ये? ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, ऐश्वर्या। हाय। ना ना, तुम इसे हाय मत बोलो, क्योंकि अभी अभी इसे मेरी हाय लगी है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि इन मैडम को लगता है कि जिंदगी बिताने के लिए एक अच्छे इंसान के साथ की नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, जो वहम शायद इनका अभी अभी दूर हो गया होगा। पर हुआ क्या? तुम्हारी कंपनी का कोई HR था और उसे जॉब से निकाला गया, वो इनका मंगेतर था। क्या? वो रिकी? वो इसका बॉयफ्रेंड था? तुम्हें पता है वो एक नंबर का कमीना इंसान था। वो हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड करता था, हमारी कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज करता था, और पता नहीं आज तक उसने कितने घपले किए हैं जिसकी वजह से आज उसे कंपनी से निकाल दिया गया। ऐश्वर्या अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना कि जिंदगी अच्छी बिताने के लिए इंसान का अच्छा होना जरूरी है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होना जरूरी नहीं है बल्कि उसका किसी भी काम को ईमानदारी से करना जरूरी है, ना कि बड़ी गाड़ी, डायमंड रिंग या बड़ा घर। खैर अब तो तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि कम से कम मेरे पास ये खटारा कार तो है, पर तुम्हारे पास तो कार ही नहीं है और ना ही डायमंड रिंग और ना ही तुम्हें ये सब कुछ दिलाने वाला इंसान। वेल, तुम्हें घर तो जाना होगा ना? तुम चाहो तो हम तुम्हें ड्रॉप कर सकते हैं या फिर ऑटो कर लेना, ऑटो के पैसे तो होंगे ही तुम्हारे पास। वरना काम करना, किसी अमीर आदमी से ना लिफ्ट ले लेना, वो तुम्हें घर तक तो ड्रॉप कर ही देगा, इतना साथ तो वो तुम्हारा निभा ही देगा, है ना? छोड़ो ना मनीषा, हम लोग चलते हैं। दोस्तों, किसी के साथ जिंदगी बिताने के लिए सिर्फ पैसा जरूरी नहीं होता, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मायने रखती है। वो इंसान कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो दिल से कैसा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।